दोस्तों नमस्कार। मेरठ दिल्ली रैपिड रेल ट्रैक पर पहला प्रीकास्ट सेगमेंट आज लॉन्च कर दिया गया। गुलदर और दुहाई के बीच प्री गर्डर P382 पर यह लॉन्चिंग हुई। लॉन्चिंग एंट्री को लॉन्चिंग गर्डर भी कहा जाता है। इसे पिलर के ऊपर विभिन्न स्टेज के माध्यम से अस्थाई सपोर्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसे बाद में हटा लिया जाता है। फिर इन सेगमेंट को जोड़कर RRTS के वायडक्ट का निर्माण किया जाता है। 34 मीटर के पहले स्पैन में 12 सेगमेंट होंगे। इस स्पैन को जोड़ने और इसे पूरा करने में लगभग 6 दिन का समय लगेगा। इसके बाद लॉन्चर गाजियाबाद की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल लॉन्चर गुलधर और दुहाई के बीच में है। इस कॉरिडोर के सेगमेंट का निर्माण वसुंधरा कास्टिंग यार्ड में किया जा रहा है। RRTS के इस वायडक्ट का डिज़ाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए किया जा रहा है। COVID-19 के संकट और इसके बावजूद देश भर में लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए देश के पहले रैपिड रेल नेटवर्क की एक बड़ी उपलब्धि है। यह सरकार द्वारा लॉकडाउन में प्रदान की गई छूट और विभिन्न शेयर होल्डर्स के सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। लॉन्चिंग के काम से लोगों को परेशानी न हो और ट्रैफिक प्रभावित न हो, इसके लिए NCRTC ने सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। हाईवे के डिवाइडर पर बैरिकेडिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लॉन्चिंग गर्डर और श्रमिकों की आवाजाही के लिए मैन लिफ्ट्स और अस्थाई सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर लंबे पहले खंड पर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस पहले हिस्से में जल्द ही पिलर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेंगे। उधर मेरठ से दुहाई के बीच के पैच पर भी पिलर खड़े करने के लिए पाइल्स तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। इस तरह आप देख रहे हैं कि यह काम लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा